हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फूडी सिस्टर। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हमने ओरियो चीज केक बनाए विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स और टेस्टी और यम्मी। रमजान आ रहा है तो चलिए आज हम कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट वीडियो रमजान का हम अपलोड कर रहे हैं। आप रमजान इफ्तारी में बना सकते हैं, नॉर्मली अभी जो गर्मी है इसमें भी बनाकर खा सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि हम रमजान में बनाएं या कुछ, आप अपने डेजर्ट में न्यू मेन्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट हम 2 एग लेंगे। अभी हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। मैंने दोनों केक बनाने के तरीके दिखाए हैं आपको, एग एंड विदाउट एग। आज का हम एग का बनाएंगे। देन फिर हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे थोड़ा सा, और फिर वेनिला एसेंस ऐड करने से जो एग की स्मेल होती है वो नहीं आएगी आपके केक में। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड इसलिए करते हैं क्योंकि हम आइसिंग पाउडर ऐड करते हैं ना, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे वरना लम्स रह जाते हैं उसके अंदर। फिर हम इसके अंदर गनाश ऐड करेंगे। गनाश के लिए हमने चॉकलेट लिया है और व्हिपिंग क्रीम। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप हाथ से ही मिक्स कर सकते हैं अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से। सो दिस इज रेडी। और फिर हम एक झल्डी लेंगे और उसके अंदर 2 कप ऑफ मैदा ऐड करेंगे हम लोग। बहुत से लोग ओरियो केक बनाते हैं पर ओरियो पाउडर के साथ, पर हम लोग केक बना रहे हैं कंप्लीट केक। और इसके अंदर हम 1 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से हम झल्डी कर लेंगे। हमें लम्स नहीं चाहिए हमारे केक के बैटर में, इसलिए हम अच्छे से इसे मिक्स करके अच्छा स्मूथ बैटर बना लेंगे हम इसका, देखिए। और स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल जैसे मैं मेथड कर रही हूँ क्लॉकवाइज। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा ये बैटर अच्छे से रेडी हो जाएगा। और आपके पास अगर केक मोल्ड हो तो आप ले लीजिए। हमने मीडियम साइज ऑफ केक मोल्ड लिया है, उसके हेल्प से हम इसे उसके अंदर फिल कर देंगे। मैंने मेथड दिखाया है आपको केक का, तो आप हमारे लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कि पहले का केक हमने कैसे बनाया करके। वैलेंटाइन स्पेशल डे के लिए भी हमने केक का वीडियो हमने अपलोड किया था, आप देख सकते हैं। उसमें भी हमने सेम मेथड दिखाया है पर उसमें थोड़े ट्रिक्स ज़्यादा दिखाए हैं मैंने, तो आप हमारे लिंक को जाकर क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप ओवन या ओटीजी पे रख रहे हो तो फर्स्ट आप अच्छे से आपका केक का मोल्ड टैप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप टैप करोगे तो अगर साइडों में केक नहीं लगा होगा तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अभी देखिए आप टेम्परेचर, फंक्शनिंग एंड टाइमर रख लिया है हमने। फिर हमने चीज़ क्रीम लिया है और इसके अंदर भी हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। चीज़ क्रीम इसलिए क्योंकि सेट हो जाएगा, हमने आज स्पेशली ओरियो चीज़ क्रीम बनाया है। और इसमें भी हम वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप बिकॉज आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप प्लीज़ ये बनाना मत मिस कीजिए, बनाइए। अगर आप हाथ में भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो, कोई मुश्किल नहीं होती। अगर ब्लेंडर हो तो इजी हो जाएगा, ना हो तो भी चलेगा, दैट्स ओके, बट ट्राई कीजिए। फिर हम इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे और फिर इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम 5 मिनट्स। ब्लेंड करने के बाद हमने जेलेटिन का भी इस्तेमाल किया है। जेलेटिन हम पानी में मिक्स करके एक थोड़ी देर रख देंगे, अच्छे से घुलने के बाद हम उसे व्हिपिंग क्रीम में ऐड करेंगे। फिर हमने ओरियोज लिए हैं, 10 रुपीज़ के जो ओरियोज होते हैं ऐसे 2 पैक्स लिए हैं, और उसे क्रश कर लेंगे। और एक साइड हम फिर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करके अच्छे से व्हिप कर लेंगे क्रीम को, जैसे हम केक की आइसिंग करते हैं उसी तरह नहीं, थोड़ा कम व्हिप करेंगे। और इसके अंदर फिर हम जेलेटिन ऐड करेंगे। जेलेटिन अच्छे से घुल चुका था पानी में, वो ऐड कर रहे हैं। और जो हमने ओरियोस क्रश किए थे वो ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसे हाथ से मिक्स करेंगे, ब्लेंडर से नहीं मिक्स करेंगे। फिर एक साइड हमारा केक रेडी हो चुका है, देखिए। और इसे हम अनमोल्ड नहीं करेंगे, इसके ऊपर से ही हम जो हमने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है वो पोर करेंगे। देखिए मैं हाथ से हल्के हल्के से इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम धीरे से इसे पोर करेंगे केक में, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1 आवर के लिए। जब आप इसे फ्रिज से निकालेंगे यू विल बी सरप्राइज्ड, और इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा दैट यू विल लव इट।
आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और हमने जो ओरियो होता है उसे गार्निशिंग किया है, जो हाथ से ही तोड़ तोड़ के हमने इसके ऊपर थोड़ा गार्निश कर दिया है। आप अपने हिसाब से गार्निश कीजिए, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ओरियो किसे नहीं पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, हर किसी को पसंद है। और ये वाला तो डिश आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आप बनाकर देखिए, यू विल ऑल्सो लव इट। फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे फ्रीजर में फॉर वन आवर के बाद हम इसे अनमोल करेंगे। देखिए हम अनमोल करेंगे इसे। घर में डिफरेंट मेन्यूज़ बनाइए, डिफरेंट कुछ बनाकर खाइए। अगर आप खुद घर पे बनाएंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमने कुछ डिफरेंट बनाए करके, घर में बच्चों भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगी। तो बनाकर ज़रूर खाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ओरियो चीज़ केक कैसा लगा करके। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ यार हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द ओरियो केक। आप